अनोखी वायरल और हैरान कर देने वाली खबरों के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कहां बंदर के मुंह में फंस गया लोटा। उसके बाद जो हुआ देखकर सब रह गए हैरान। कहां दो समुदायों के प्रेमी प्रेमिका के बीच कलेक्ट्रेट में हुई शादी। बवाल के लिए पहुंचे थे हिंदू संगठन और कहां 3 फीट का दूल्हा और 3.5 फीट की दुल्हन को फिर से करनी पड़ी शादी। मामला जानकर रह जाएंगे दंग। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के धमतरी से आई अनोखी खबर के साथ। मुंह में लोटा फंसाए ये बंदर काफी परेशान है। गर्मी के मौसम में ये बंदर एक लोटे में रखे पानी को पीने गया था, लेकिन बंदर के सिर में ही लोटा फंस गया। फिर क्या था, बंदर काफी देर तक उछल कूद करता रहा, कभी पेड़ पर चढ़ता तो कभी नीचे गिर जाता, खुद से भी लोटे को निकालने की कोशिश करता, लेकिन फिर भी उसे कामयाबी नहीं मिली। काफी देर में वहां के लोगों ने परेशान बंदर को देखा, जिसके बाद कुछ ग्रामीणों ने बंदर को पकड़ा और लोटे को बाहर निकाला। ये वीडियो धमतरी के देवरपारा गांव का है, जहां एक घर के आंगन में बने तुलसी चौरा में पूजा के लिए इस्तेमाल करने वाला तांबे का लोटा रखा था। लोटे में पानी था। प्यासा बंदर वहां पहुंचा तो पानी पीने के लिए लोटे के अंदर अपना सिर ही घुसा दिया। फिर क्या था, बंदर के सिर में ये लोटा फंस गया और वह इधर उधर भागने लगा। फिलहाल सोशल मीडिया पर बंदर का ये वीडियो वायरल हो गया है। दूसरी हैरान कर देने वाली खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है। जबलपुर के कलेक्ट्रेट में काफी गहमा गहमी थी, क्योंकि एक हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की की इस कोर्ट में शादी हो रही है। बवाल होने की आशंका थी, लिहाजा कलेक्ट्रेट में पुलिस का पूरा पहरा था। हालांकि जब इस शादी की खबर हिंदूवादी संगठनों को लगी तो वो भी मौके पर पहुंच गए। लड़का और लड़की दोनों बालिग थे, लिहाजा बंद कमरे में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दोनों की शादी हो गई और दोनों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि लड़का और लड़की एक दूसरे से प्रेम करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन दो अलग अलग धर्म के होने की वजह से शादी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि घर वाले शादी के विरोध में थे, जिसके बाद दोनों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में शादी करने के लिए आवेदन दिया था। फिलहाल बिना किसी अप्रिय घटना के दोनों की शादी सम्पन्न हो गयी। हालांकि पुलिस दूल्हा और दुल्हन को सुरक्षा मुहैया करा रही है। तीसरी अनोखी खबर बिहार से है। 3 फीट का दूल्हा और 3.5 फीट की दुल्हन, याद है आपको। सीतामढ़ी में योगेंद्र एवं पूजा एक बार फिर अचानक चर्चा में है। अपने छोटे कद काठी के लिए योगेंद्र गांव समाज में हर किसी के लिए एक कौतूहल का विषय बने हैं। योगेंद्र अधिक सुर्खियों में तब खूब आए थे जब 7 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। काफी प्रयास के बाद योगेंद्र की कद काठी की लड़की मिली थी और उनकी शादी संभव हो सकी थी। मात्र 3 फीट के होने के चलते योगेंद्र की शादी नहीं हो पा रही थी। कोई लड़की वाले उनसे शादी को तैयार ही नहीं हो रहे थे। शादी हुई लेकिन एक पैच फंस गया। ईश्वर को साक्षी मानकर शादी करने वाले योगेंद्र और पूजा सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उनकी शादी में उन्हें सरकारी योजनाओं के मिलने वाले लाभ में अड़चनें पैदा कर दी थी। दरअसल योगेंद्र की शादी अंतरजातीय हुई थी, इस कारण उन्हें निबंधन विभाग में शादी करनी है। यहां से शादी का प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही वे सरकारी योजनाओं के लाभ के हकदार हो सकेंगे। इसके लिए उनके द्वारा मैरिज ऑफिस में एक आवेदन दिया गया और फिर से शादी हुई। इस अनोखी जोड़े की फिर से शादी की चर्चा एक बार फिर पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है। न्यूज़ तक ब्यूरो।